कोरोना काल में मदद के लिए आगे आई सेना, एलओसी से सटे दूरदराज के इलाकों में पहुंचा रही वैक्सीन। बंगाल में बीजेपी के 8 विधायकों ने विधानसभा समितियों के प्रमुख पद से दिया इस्तीफा, मुकुल रॉय की नियुक्ति का किया विरोध। पीएम मोदी ने मंगलवार को ओलंपिक जाने वाले 15 खिलाड़ियों से की बात, बोले अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं। पीएम ने हिल स्टेशन पर उमड़ी भीड़ पर जताई चिंता, कहा तीसरी लहर को रोकने के लिए मस्ती पर लगाना होगा विराम। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर नहीं लगेगी रोक, लेकिन कांवड़ियों को करना होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। सुल्तानपुर में इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू को एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल भेज दिया है। दरअसल बीते 28 जून को थानाध्यक्ष सीताराम यादव ने धनपतगंज थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करवाया था। पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू के साथ साथ दीपक सिंह, अंशु सिंह, विजय यादव और रुखसार पर गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में आज पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह समेत सभी लोगों को जेल भेज दिया गया। विशेष न्यायाधीश पीके जयंत की अदालत ने सभी आरोपियों की रिमांड स्वीकृत करते हुए 60 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। धनपतगंज में गैंगस्टर का मुकदमा कायम हुआ था, जिसकी विवेचना गोसाई गिन की पुलिस द्वारा की जा रही थी। ये है चुनाव में इन लोगों को रोकने के लिए कि जिससे चुनाव का प्रचार न कर सके, इनकी वहन जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी। तो पुलिस प्रशासन द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप कार्य किया जाता है, जैसा भी इस सरकार में है पूर्व में भी होता रहा है, तो उसी के तहत ये गैंगस्टर का मुकदमा कायम कराएगा। लखनऊ में यूपी कांग्रेस मीडिया चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने योगी सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने 5 सालों के कामों का हिसाब दे। इस सरकार में सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी है, परेशान किसानों की बातों को अनसुना किया जा रहा है, अल्पसंख्यक बुनकरों की समस्याओं के समाधान व रोजगार पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने लोगों के साथ सिर्फ धोखा किया है। अक्सर विवादों में रहने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। लखनऊ में वसीम रिजवी ने नई जनसंख्या नीति का समर्थन करते हुए देश में जनसंख्या बढ़ाने का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ा है। वसीम रिजवी ने कहा कि जिस तरह से हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ रही है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून हिंदुस्तान की जरूरत है, इसे जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए। वसीम रिजवी ने कहा कि जब भी इस कानून को बनाए जाने की बात होती है तो मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाली कुछ सियासी पार्टियां आड़े आती हैं। आप भी सुनिए वसीम रिजवी ने क्या कुछ कहा है। 2 बच्चे हर परिवार में अच्छे होते हैं, उनको इंसानी हुकूक यानी कि ह्यूमन राइट्स अच्छी तरह से मिल सकते हैं, उनकी अच्छी एजुकेशन हो सकती है, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथी समाज की देवबंद जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इसका विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि इंसानी हुकूक नाम की, ह्यूमन राइट्स नाम की इस्लाम में कोई चीज है ही नहीं। उनका यह सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, उनको मदरसे में आतंक की तालीम दो और फिर उनको आतंक से जोड़कर पूरी दुनिया में एक बड़ी फौज बनाओ और उनको अल्लाह के नाम पर शहीद करो। यह उनका सोचना है, इस सोच से वो बाहर जाना नहीं चाहते। कानपुर के बर्रा में 1 साल पूर्व हुए संजीत अपहरण हत्याकांड के मामले में एसआईटी की जांच लगातार जारी है। मृतक संजीत के परिजनों को एसआईटी कार्यालय के समक्ष पेश होने का नोटिस भेजा गया था। नोटिस मिलने के बाद परिवार एसआईटी के सामने पेश हुआ। आपको बता दें कि संजीत अपहरण हत्याकांड में संजीत के दोस्त ने ही उसका अपहरण करने के बाद फिरौती मांगी थी। परिजनों ने फिरौती की रकम दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस संजीत को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से नहीं छुड़ा पाई। बाद में पुलिस ने घटना से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। मैं संजीत की सिस्टर हूँ। मेरे भाई का 22 जून 2020 में अपहरण हुआ था। 23 जुलाई को फिरौती की रकम मांगी गई। 27 जुलाई को
खुलासा किया गया कि उसका मर्डर हो गया है। पुलिस ने खुलासा किया उसका मर्डर हो गया, लेकिन उसकी बॉडी बरामद नहीं हुई है। लगातार एक साल से हम न्याय की गुहार मांग रहे हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है। जो बयान सामने है, सबके सामने सात छः वही बयान देंगे जो अधिकारियों ने मेरे साथ किया, अर्पणा गुप्ता ने, रंजीत राय ने, चौकी इंचार्ज ने, जितने भी सस्पेंड थे, जो जो हुआ है हमारे साथ, वो सारे बयान आज मेरे मम्मी पापा देंगे। हमें तो बुलाया नहीं है, माँ पापा मम्मी। सुल्तानपुर में दो नगरपालिका चेयरमैन और अपर जिलाधिकारी आमने सामने हो गए हैं। दोनों एक दूसरे पर एलईडी खरीद के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में सभासद और भाजपा नेता संतोष सिंह ने अपनी ही पार्टी के चेयरमैन बबीता जायसवाल पर 85 लाख की एलईडी घोटाले का आरोप लगाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए भाजपा नेता संतोष ने आरोप लगाया कि जिस एलईडी की कीमत बाजार में करीब 3,700 रुपये है, उसी एलईडी को 8,075 रुपये में खरीद लिया गया। वहीं इस मामले में डीएम का कहना है कि कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं और उसी के आधार पर आगे एक्शन लिया जाएगा। प्रथम दृष्टया उन्होंने कुछ एस्टिमेट्स को लेकर के इस बात को ट्वीट किया था शायद कि इसमें ज्यादा विक्रय किया गया है। अभी उसका परीक्षण कराया जाएगा। वैसे एस्टिमेट्स और फाइनल कॉन्ट्रैक्ट में कभी कभार काफ़ी डिफरेंस भी होता है, तो पूरी परचेज प्रोसीजर को देखकर ही उस पर आगे कमेंट। प्रतापगढ़ में बीते दिनों ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान सपा कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया था कि एक पीटीसी प्रत्याशी का पहले से ही वोट पड़ चुका है। धांधली का आरोप लगाते हुए पुलिस पर पथराव सपा समर्थक करने लगे। इस मामले में वहीं आसपुर देवसरा थाने में 411 लोगों के खिलाफ नामजद एक FIR विभिन्न धाराओं में पंजीकृत की गई थी। 17 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में आज सपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय से लेकर अंबेडकर चौराहे के पास जुलूस निकालते हुए पुलिस वालों के साथ नोकझोंक की। सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस को भी धक्का देते हुए बैरिकेडिंग तोड़ दी और डीएम ऑफिस की तरफ जुलूस निकालते हुए चले गए। इस दौरान पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा ने बोला कि पूरे जिले के भीतर जिस प्रकार से जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में धांधली की गई है, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। भीतर और पूरे जिले के भीतर जिस प्रकार से जिला पंचायत के चुनाव और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो धांधली की गई है और देवसरा में जो इंतहा कर दी गई, 11 बजे वोटिंग का प्रारंभ होने का समय था, 11 बजे तक 58 BDC के मत पड़ चुके, जब फर्जी और जब हम मत डालने के लिए गए तो कहा साहब आपका मत पड़ गया, ये भी लोकतंत्र है। वहीं बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज एक कलेक्ट्रेट में आकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शासन के आदेशों के मुताबिक किसानों का गन्ना भुगतान 15 दिन के अंदर किया जाना था, लेकिन अभी तक भुगतान की कोई राशि सामने नहीं आई। 1,57,00,000 का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, गेहूं का ही भुगतान नहीं हुआ है, जिससे किसान लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। जल्द से जल्द किसानों का गन्ना और गेहूं का भुगतान किया जाए। साथ ही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि में कमी करनी चाहिए। वहीं ताजनगरी आगरा में कोरोना महामारी की आने वाली तीसरी लहर को देखते हुए सपा नेता रिजवान रईसुद्दीन ने सराहनीय पहल शुरू की है। शहर में सैनिटाइजेशन ड्राइव की शुरुआत की गई। ये गाड़ी महानगर के हर क्षेत्र में गली मोहल्ले में जाएगी। इस मौके पर रिजवान रईसुद्दीन ने कहा कि कुछ दिन पहले मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए, उनकी याद में इसकी शुरुआत की है और कोई भी इस बीमारी से संक्रमित ना हो, यही मेरी कोशिश है। इसी के साथ उन्होंने जानकारी दी कि आने वाले समय में इस तरह की कई और गाड़ियाँ भी चलाई जाएंगी। सुल्तानपुर में बैंक फ्रेंचाइजी की लूट का विरोध करना युवक को महंगा पड़ गया। दरअसल बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और करीब 2,00,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने युवक का शव चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन में हरकत आई। आनन फानन में पुलिस सभी ब्लॉक चौराहे पहुंचे और जाम को खुलवाने का प्रयास किया। साथ ही हत्यारोपियों को जल्द पकड़ने की बात करते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। मैं पैसा जमा करने गया, शुभम पांडे उसमें अकेला बैठा था। मैं घर से 9,500 रुपया ले गया जमा करने के लिए। वहाँ पहुँचा तो हमें पैसा गिन के उसको देने लगा। इसके बाद वो लॉक खोल ही रहा था, मतलब कंप्यूटर का। इसके बाद तत्काल 2 लोग आए, पिस्टल थी या क्या थी मैं पहचान नहीं पाया, सटा दी। मुझे पैसा दो, मैं पैसा अपना दे दिया। उससे कहा तुम दो। मैं कहा भैया दे दो यार दे दो।
सहारनपुर में नगर निगम स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे करता आया, लेकिन शहर में हुई पहली बारिश ने ही स्मार्ट सिटी नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के लिए करोड़ों रुपए का बजट आया हुआ है, लेकिन इस पैसे का सिर्फ बंदरबांट किया जा रहा है और स्मार्ट सिटी के कार्यों के नाम पर सिर्फ कागजों में ही कार्यवाही देखने को मिल रही है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर जनता किस कदर इस बारिश से परेशान है और जो जलभराव की जो समस्या है वो किस तरह से देखने को मिल रही है सहारनपुर में, ये इन तस्वीरों में साफ नजर आ सकता है। लोग वहां पर भरी सड़कों पर पानी के बीच निकलने को मजबूर हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक प्रशासन ने किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की है और ना तो जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया गया है। तो बारिश ने साफ तौर पर स्मार्ट सिटी के जो खोखले दावे थे उनकी पोल खोल कर रख दी। रामपुर के जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन कराने के लिए विधायक तंजीन फातिमा पहुंची। यहां मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि सांसद आजम खां को वेदांता अस्पताल से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है और इसमें किसी तरह की साजिश हो सकती है। आगे उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में कब्जा जमाया गया है सभी लोग जानते हैं ये किस तरह से हुआ है। अपने वैक्सीन लगवाइए, क्या संदेश है? मेरा संदेश है कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। अच्छा मंत्री जी को जो है आप जो आज जो है वो ठीक हो गए सीतापुर जेल के लिए ट्रांसफर कराया जा रहा है जाएगा तो देखिए मंत्री जी स्वस्थ नहीं है अभी, उन्हें पोस्ट कोविड बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मैं नहीं जानती किन परिस्थितियों में और किन कारणों से उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, क्या साजिश है या कोई और कारण है मैं नहीं जानती। डेढ़ साल से ज़्यादा उन्हें जेल में हो गया लेकिन अभी तक जो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है इसको लेकर? देखिए इसको लेकर मैं कुछ नहीं कह सकती क्या। रायबरेली में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो गई और करीब 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मजदूर के इस हाल पर बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया और विभाग की ओर से बड़ी लापरवाही करने की बात कही है। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासन का कोई भी आदमी मौके पर नहीं पहुंचा। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। लापरवाही आज रामविलास नगर गोरा बाजार मोहल्ले में दिखाई पड़ी है। ये आप देख सकते हैं कि ये वही मशीन है जिसको छूने से ये 6 फीट ऊंचा पर ये 11,000 की लाइन गई है। इस लाइन में मशीन छू गई जिससे 11 मजदूर गंभीर रूप से झुलस चुके हैं जो आज जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें 6 की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर दिखाई जा रही है। बीते दो घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है, जिलाधिकारी को फोन किए हुए, बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन किए हुए, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा है। हालांकि कुछ पुलिस के जिम्मेदार चौकी इंचार्ज आए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बिजली विभाग या जिला प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा है। ताजनगरी आगरा के थाना जगनेर में चेकिंग के दौरान एसटीएफ और पुलिस को सफलता मिली है। संयुक्त टीमों की कार्रवाई में गांजे से भरे हुए ट्रक को बरामद कर लिया गया है। गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं जब अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वो गांजा बिहार से लाए हैं और कई इलाकों में गांजे की सप्लाई करने के इरादे में थे। एसटीएफ टीम और थाना जगनेर आगरा पुलिस ने एक काफ़ी बड़ी मात्रा में गांजे की खेप पकड़ी है। कुल 8 कुंटल 32 किलो गांजा है। इसके अलावा 2 अभियुक्त भी पकड़े गए हैं जो कि ड्राइविंग कर रहे थे ट्रक को। बुलंदशहर जिले के खुर्जा कोतवाली इलाके में एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मजदूर फैक्ट्री में वेल्डिंग कर रहा था तभी केबल में फॉल्ट होने के चलते उसे करंट लग गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली इलाके के मुंडा खेड़ा गांव में दबंगों ने एक महिला को जिंदा जला दिया।
युवती को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि युवती का आरोपी के बड़े भाई के साथ प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन परिजनों की माने तो उन्होंने इस घटना को चुनावी रंजिश का मामला करार दिया है। परिजनों का आरोप है कि युवती के पिता हाल ही में BDC का चुनाव जीते थे, जिसमें आरोपी का बड़ा भाई भी BDC के चुनाव के लिए खड़ा हुआ था जो कि हार गया। इसी के चलते महिला पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया गया। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। देखिए, कल एक 20 वर्षीय युवती जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में जले हुई स्थिति में मिली थी और इलाज के दौरान उसकी आज मृत्यु हो गई है। युवती के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर उसके प्रेमी का छोटा भाई है और उसे पवन उसे गिरफ्तार कर लिया गया था कल ही। यद्यपि घटना के समय पवन की उपस्थिति कहीं और पाई जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया लड़की के बयान को सही मानते हुए उसे जेल भेजा जा रहा है। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग लड़की ने गांव के एक युवक पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। छेड़छाड़ की जानकारी मिलते ही परिजनों ने डायल 112 पर पुलिस को फोन किया। तब तक ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि कोतवाली में तहरीर दी गई तो जबरन सुलह का दबाव कोतवाली पुलिस बना रही है। पुलिस छेड़छाड़ के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। रायबरेली में सलोन कोतवाली के पास सिरसरा गांव में सई नदी में नहाने गया युवक डूब गया। डूबने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को बाहर निकाला गया। साथ ही मृतक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई। फिलहाल युवक की मौत पर परिवार वाले सदमे में हैं। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में एक युवक ने अपनी बुजुर्ग दादी को मौत के घाट उतार दिया। बुजुर्ग महिला की मौत पर इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही परिवार वालों ने हत्यारोपी पोते के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि पैसों की वजह से ही उसने बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतारा है। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अब हमको 10 बजे फोन गया तो मैं लौट के आई यहाँ पे। मेरा बेटा मेरी बेटी आई तो माँ मेरी मरी मिली मिली हमको जिंदा नहीं मिली। माँ के मेरे दोनों पाए आंचल से लिपटे थे, मेरी माँ के सीने मारी नहीं है सीने में चढ़ के, उसके सब निशान थे। मेरी माँ के आँख से खून बह रहा था। मैंने माँ को अपनी देखा, हम गिर गए, चक्कर आ गया। माँ को हमारी माँ को हमसे हम बात वो कहत रायबरेली जिले के बहादुर नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर में रखे सुतली बम से खेल रहे बच्चों ने उसमें आग लगा दी और विस्फोट हो गया। सुतली बम में विस्फोट होने से 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम TV।